कोई व्यक्ति की जानकारी कहीं आसपास भी नहीं मिली है। और ग्वालियर के साथ साथ इंदौर में भी केस दर्ज किया गया है। इंदौर के संयुक्तगंज थाने में FIR दर्ज हुई है। प्रियंका गांधी के ट्विटर अकाउंट समेत ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ भी FIR हुई है। अरुण यादव कमलनाथ के ट्विटर अकाउंट पर भी केस दर्ज हुआ है। ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार इसे लेकर विरोध दर्ज करवाते हुए बड़े नेता भी इसे लेकर बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या वीडी शर्मा हो या नरोत्तम मिश्रा हो, पहले ही कह चुके थे कि इसे लेकर FIR दर्ज करवाएंगे। ग्वालियर के थाने में भी शिकायत दर्ज की गई है, साथ ही साथ इंदौर थाने में भी जो शिकायत दर्ज की गई उसकी भी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्य नाम इसमें शामिल है, प्रियंका गांधी का जिक्र है, कमलनाथ का भी जिक्र है। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। बीजेपी में शामिल होंगे धर्मजीत सिंह, इस वक्त की बड़ी खबर है। विधायक धर्मजीत सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं। JCCJ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं धर्मजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में सदस्यता हासिल करेंगे। आज सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रमन सिंह, नितिन नवीन, अरुण साव इसमें मौजूद रहेंगे, जो कि कांग्रेस के निशासित नेता माने जाते हैं। धर्मजीत सिंह इस वक्त लोरमी से विधायक हैं, वो विधानसभा उपाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। साथ ही साथ एक और नाम सामने आया है, प्रमोद शर्मा बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जिन्हें लेकर। बलौदा बाजार से विधायक है प्रमोद शर्मा, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव उन्होंने जीता। आगे बढ़ते हैं मुंगेली से अगली बड़ी खबर, जहां पूर्व फॉरेस्ट ऑफिसर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रिटायर्ड वन अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। HD बड़गैया जिनका नाम सामने आ रहा है, बीजेपी की सदस्यता इन्होंने भी ली है। CCF फॉरेस्ट के पद से रिटायर वो हुए हैं। मुंगेली बीजेपी जिलाध्यक्ष ने उन्हें शपथ दिलाई। लोरमी विधानसभा से दावेदारी के कयास अब लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर। पूर्व IAS जिनेविवा किडो कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। इधर सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में संकल्प शिविर में शामिल होते हुए देखा गया और उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता भी ली है। कांग्रेस का हाथ थामा है। 2004 बैच के प्रमोटिव IAS हैं जिनेविवा किडो, जिन्होंने कांग्रेस में अप्रवेश कर लिया है। और अब सीधी से अगली बड़ी खबर, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक है। आधा दर्जन कच्चे मकानों को हाथी क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। हाथियों के हमले में 4 लोग घायल भी हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। जंगली हाथियों के आतंक से लोग काफी डरे हुए। फुलवा और गोली पहरी ये क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर हाथियों का आतंक लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए, सीधी से तस्वीरें आई हैं। हाथी लगातार घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए। और खेल जगत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत चौथी बार एशियन हॉकी चैंपियन बन चुका है। भारत ने फाइनल में मलेशिया को हराया है, 4-3 से विजय हासिल की और अब चौथी बार भारतीय हॉकी टीम ने ये खिताब अपने नाम किया है। कल यह खबर निकलकर सामने आई थी, उसके बाद से पूरे देश में उत्साह की लहर। खेल जगत से भारत के लिहाज से ऐतिहासिक जीत, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी चौथी बार भारत ने मुकाम अपने नाम किया है। फाइनल में मलेशिया से भिड़ंत थी, 4-3 से हराकर भारत एक बार फिर से चैंपियन बना। और अब जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर। आज जांजगीर दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे रहने वाले हैं। भूपेश बघेल भी आज पहुंचेंगे जांजगीर चांपा। भरोसे का सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, इसमें ही शिरकत करने के लिए खड़गे पहुंच रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल 467 करोड़ के विकास कार्य की सौगात भी मंच से देंगे। डिप्टी सीएम TS सिंहदेव की मौजूदगी रहेगी, कई जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पुलिस लाइन पोखरा में भरोसे का सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, भरोसे के सम्मेलन का आयोजन और यहां पर खास अतिथि रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दीपक बैज ने उन्हें न्योता दिया था इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए और अब भरोसे के सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे आ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद हैं।
देवास में धार्मिक कार्यक्रम के पोस्टर हटाने के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल नगर निगम की ओर से पोस्टर हटाने के बाद किए गए प्रदर्शन के बाद कुछ लोगों पर FIR दर्ज की गई थी। इसके विरोध में संस्था ने देवास बंद का आह्वान किया था। संस्था ने देवास की जनता से बंद रखने की अपील की। आपको ये भी बताएं कि शुक्रवार को नगर निगम में पोस्टर हटाए जाने को लेकर आंदोलन करने के बाद सरकारी संपत्ति को नुकसान और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के चलते प्रदीप चौधरी और समर्थकों पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज हुई थी। प्रदीप चौधरी ने कहा है कि विधायक के कहने पर FIR दर्ज हुई है और उसी के चलते विवाद की स्थिति बनी है। अगर मैं अंदर सनातनियों से समर्थन मांगा है, मैं एक सनातनी धर्म का एक कार्यकर्ता हूँ। कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए, कांवड़ यात्रा में विघ्न पैदा करने के लिए स्थानीय विधायक बार बार कुछ ना कुछ कर रही है, होर्डिंग तोड़ दिए, आज FIR कर दी। तो इस प्रकार से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मांग कर रहे हैं कि आप 4 घंटे खाली अपने व्यवसाय प्रतिष्ठान को रोक कर हमारा समर्थन। इधर सिवनी के बरघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के आदिवासी विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने कांग्रेस नेता उमंग सिंगार के आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। विधायक ने अपने बयान में कहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रदेश में लड़ेगी और चुनाव जीतकर कमलनाथ को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इंदौर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाकू लहराने का वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद शराब के लिए पैसे देने के मना करने को लेकर ये विवाद की स्थिति बनी। बाइक तोड़ने वाले आरोपी को हालांकि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी रौब झाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट डालता था। एक बार फिर से ऐसा ही पोस्ट वायरल हुआ लेकिन पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। फरियादी ने थाना चंदनगर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की थी कि सलमान पिता गुड्डू निवासी चंदन नगर ने जब वो काम पर जा रहा था तो उसके साथ मारपीट की है, दारू के पैसे मांग रहा था। इस बात पर से मुकदमा दर्ज हो गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी खबर। GGU में संचालित बिहेवियर क्लास का एक्शन देखने को मिला है। स्टूडेंट को विवादित चीजें पढ़ाने का आरोप बिहेवियर क्लास पर लग रहा है। शिकायत के बाद GGU ने एक्शन लिया। तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक इस क्लास को स्थगित करने का फैसला। प्रदेश में बस्तर और बिलासपुर में यूनिसेफ बिहेवियर क्लब संचालित की जा रही है। इधर शहीद महेंद्र वर्मा विश्वविद्यालय और बिलासपुर के GGU में इससे संचालित किया जा रहा है, लेकिन कुछ विवादित चीजें पढ़ाए जाने का आरोप इस क्लास पर। शिकायत के बाद फौरन एक्शन लिया गया, संज्ञान लिया गया। ये सारे पोस्ट डिलीट सही की उमेश ज्यादा जानकारी देंगे। उमेश